आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजा एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज जो हम टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर प्लानिंग। तो प्लानिंग जो है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और अगर हम बात करें मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स की तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स में ये हमारा पहला प्रिंसिपल है प्लानिंग। देखिए जी फ्रेंड्स, इस चैप्टर के अंदर हमें कुल मिला के 5 टॉपिक अंडरस्टैंड करने हैं, जो कि क्या है। सबसे पहला टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का कॉन्सेप्ट क्या है इसके बारे में हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। दूसरी चीज़ जो हम इसमें पढ़ेंगे वो है इस प्लानिंग की इम्पॉर्टेंस, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, एक बिजनेस के लिए, एक बिजनेस पर्सन के लिए ये प्लानिंग इम्पॉर्टेंट क्यों बन जाता है। और फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ अपने साथ खासियत लेकर नहीं आती, हर चीज़ में कमियाँ होती हैं, तो प्लानिंग की भी कुछ कमियाँ हैं जो हम पढ़ेंगे इसके टॉपिक लिमिटेशन में। नेक्स्ट चीज़ जो पढ़ेंगे प्लानिंग, अगर अब एक पर्सन प्लानिंग के लिए जाता है, बिजनेस में प्लानिंग करना चाहता है, तो उसे किन किन स्टेप्स के थ्रू होके गुजरना पड़ेगा, तो वो हम बात करेंगे प्लानिंग की प्रोसेस में। नेक्स्ट चीज़ जो इसके अंदर हम अंडरस्टैंड करेंगे वो है हमारा प्लानिंग के टाइप्स। सो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ प्लानिंग्स, राइट, एंड उन टाइप्स के अंदर सबसे पहले हम इन टाइप्स को बांटेंगे दो पार्ट्स में, सिंगल यूज प्लान्स एंड स्टैंडिंग प्लान्स, राइट। और इसके अंदर जो हमारे प्लान्स होंगे सिंगल यूज और स्टैंडिंग, कुल मिला के इसमें होंगे ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, स्ट्रैटेजीज, प्रोसीजर, मैथड, रूल, बजट एंड प्रोग्राम। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं, प्लानिंग। सबसे पहले प्लानिंग है क्या फ्रेंड्स? देखिए, हम सब कभी भी कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले उस काम के बारे में एक बेसिक आइडिया लेके चलते हैं कि भाई वो काम जो है हमें करना क्या है। तो एक जो बेसिक आइडिया लेके चलना होता है उसी को हम कहते हैं कि हम एक्शन को एडवांस में सोच के चल रहे हैं, उस चीज़ को हम चॉकिंग आउट करते हैं। चॉकिंग आउट मतलब उस चीज़ को हम एक जगह पे पहले लिख लेते हैं कि भाई हमें इन फ्यूचर करना क्या है, तो इससे चीज़ें आसान हो जाती हैं। सो प्लानिंग भी कुछ इसी तरह से है, जिसका मतलब है प्लानिंग इज चॉकिंग आउट द प्लान ऑफ एक्शन। प्लान ऑफ एक्शन का मतलब होता है फ्यूचर में करना क्या है, विच इज बींग डन इन एडवांस, जो हम एडवांस मैनर में लेके चलते हैं। ज़्यादा स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो इट इज थिंकिंग इन एडवांस, सोचना एडवांस में वट इज टू बी डन, क्या करना है, When it is to be done, कब करना है, How it is to be done, कैसे करना है, and by whom it should be done, किनके द्वारा करवाना है ये काम। तो ये जो what, where, when, how and by whom, ये जितने भी WH family के questions हैं friends, ये सब हम planning में लेके चलते हैं। So planning का कुल मिला के मतलब हो गया future में हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किनके द्वारा करवाना है, वो हम planning के अंदर consider करके चलते हैं। Next चीज़ जो इसके अंदर आती है friends, वो है हमारी importance। देखिए, हम कभी भी कोई भी चीज़ plan करके चलते हैं, अब वो चीज़ जो है हमारी, सपोज कीजिए हमें कुछ फ्यूचर में पाना है, अब वो चीज़ हमारी सक्सीड कब होगी, जब हम उसके लिए एफर्ट करेंगे, राइट। सो यहाँ एक लाइन लिखी हुई है, कह रहा है ड्रीम्स कैन बी टर्न इनटू रियलिटी विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग। आप सोचते रहेंगे कि आपको ये चीज़ करनी है बट आप उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करेंगे तो क्या वो चीज़ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो इसी तरह से आपको अपने बिजनेस में बहुत चीज़ें अकम्प्लिश करके करनी होती हैं, आप गोल सेट करके चलते हैं बट आप उसके लिए कुछ एफर्ट्स ही नहीं करेंगे फ्रेंड्स, तो वो चीज़ आपकी फुलफिल कैसे होगी, वो डिज़ायर आपकी डिज़ायर बन के रह जाएगी। सो इसी तरह से कोई भी बिजनेस कैन गेट सक्सेस, नो बिजनेस कैन गेट सक्सेस विदाउट प्लानिंग। तो प्लानिंग के बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो इस तरह से प्लानिंग के ये कुछ लाइन्स लिखने के बाद आप इसके फीचर्स, इसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताएंगे फ्रेंड्स कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन लाइन से ही इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में आइडिया लग जाना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंस इसमें आता है वो है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। फ्रेंड्स, बिजनेस स्टडी 11 क्लास से हमें इसी समझाई जा रही है कि प्लानिंग जो है जो फ्यूचर है इट इज टोटली अनसर्टेन। कोई नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा, आपको भी नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। तो भाई, हम सभी जानते हैं कि फ्यूचर एक अनसर्टेन एक सिचुएशन है जिसके लिए हम नहीं कुछ कर सकते फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। बट फ्रेंड्स, इस चीज़ को सोच के कि फ्यूचर अनसर्टेन है हम अपनी तरफ से एफर्ट भी ना करें, ये तो गलत होगा ना। तो फ्यूचर से होने वाली अनसर्टेनिटीज से अपने आप को बचाने के लिए हम अपनी तरफ से जो एफर्ट करते हैं उससे हम कहीं ना कहीं फ्यूचर के आने वाली प्रॉब्लम्स को खत्म तो नहीं कर पाते 100%, बट यस, उससे होने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उसके रिस्क के लिए हम पहले से तैयार रहते हैं। तो काफ़ी हद तक हम अपने आप को पहले से ही तैयारी करके रखते हैं, जिसकी वजह से फ्यूचर में होने वाली जो प्रॉब्लम, जो आघात हमें फ्यूचर में मिलने वाला है, उस चीज़ से हम पहले से बचाव करके चलते हैं, जिससे हमें एक एक प्लस पॉइंट रहता है, एक बेनिफिट साइड रहती है। तो इट विल हेल्प अ बिजनेस टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज। सो देर आर मेनी रिस्क इन्वॉल्व इन बिजनेस रिलेटेड टू फ्यूचर। आग लग गई, इंश्योरेंस ले लो, राइट। आपको पता है कि कल को रेट्स बढ़ने वाले हैं, आप पहले से उसके लिए रिजर्व बना के चल लो। तो ये एग्जाम्पल्स हो गए इसके कि आप किस तरह से अपने फ्यूचर अनसर्टेनिटीज से अपने आप को बचा के चलते हैं। सो प्लानिंग हेल्प्स टू फॉरकास्ट ऑल दिस बिजनेस रिस्क इन अ कैलकुलेटेड मैनर।
ऑब्वियसली कैलकुलेशंस करके सब चीजें, अभी आपके बिजनेस स्टडी कोर्स में तो ऐसी कैलकुलेशंस नहीं है, बट यस आगे चल के बड़ी सारी अलग अलग फील्ड है अकाउंटिंग की, जैसे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, तो वहां पे हम इसी तरह की कैलकुलेशंस करना भी सीखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस आती है इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट कम खर्चे पे, कम खर्चे पे, कम लागत पे किसी काम को कर लेना, वो एफिशिएंसी कहलाती है। तो कम से कम खर्च करके ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकालना आपका एफिशिएंसी कहलाता है, आपका एफिशिएंट होना कहलाता है। तो अगर आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आप अपने रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करेंगे, और जब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन प्रॉपर होगा फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि आप एफिशिएंट होने से आपको कोई रोक सकता है। सो प्लानिंग हेल्प्स टू यूज द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स एफिशिएंसी इनटू द बिजनेस। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस में कहता है हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग। देखिए प्लानिंग के बाद अगला आपको मैं पढ़ाऊंगा मैनेजमेंट का जो फंक्शन है वो है ऑर्गेनाइजिंग, और ऑर्गेनाइजिंग में हम चीजों को बांटेंगे उनकी कार्यशैली के हिसाब से, उनके तौर तरीके, उनके फंक्शंस के हिसाब से। बट वो चीजें तभी कर पाएंगे फ्रेंड्स जब हम प्लानिंग करेंगे कि कार्य करना क्या है, बांटेंगे तो बात की बात है। तो ऑर्गेनाइजिंग यानी कि सेकंड फंक्शन जो होता है मैनेजमेंट का, उसमें भी एक तरह का ये हेल्पिंग हैंड अपना प्रोवाइड कराता है। सो ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टू ब्रिंग टुगेदर ऑल एक्टिविटी रिसोर्सेज एंड टू ग्रुपिंग अप ऑल रिलेटेड एक्टिविटीज। इसमें प्लानिंग टेल अस द नीड ऑफ द रिसोर्स, की कितने नीड की, कितने रिसोर्स की हमें नीड है फ्यूचर पर्पस के लिए और कब है, तो वो चीज हम पहले से एडवांस में लेके चलते हैं, और वही चीज हमारी ऑर्गेनाइजिंग में होती है, जो कि ऑर्गेनाइजिंग का एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं हम कहां पे, प्लानिंग में। नेक्स्ट कहता है गिव राइट डिसीजन, सॉरी गिव्स राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट कहता है गिव्स राइट डायरेक्शन विदाउट, कहता है विदाउट प्रॉपर डायरेक्शन वी विल गो एस्ट्रे, वी विल गो एस्ट्रे। गो एस्ट्रे का मतलब होता है मार्ग से हट जाना। अगर आप अच्छी डायरेक्शन से नहीं चलेंगे, एक बेटर डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, तो आप अपने मार्ग से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, आप अपना रास्ता भूल बैठेंगे, आप गलत डायरेक्शन में चल पड़ेंगे, आपने सोचा क्या है करेंगे क्या। सो कहता है प्लानिंग यही बताती है आपको कि करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है, जिससे आपकी डायरेक्शन, आपका गोल सेट रहता है। सो बाय डज इट हेल्प अस टू मेक प्रॉपर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में भी हमें मदद मिलती है। नेक्स्ट कहता है कीप्स गुड कंट्रोल। अब देखिए कंट्रोलिंग इसका एक लास्ट फंक्शन होगा। जी हाँ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, कंट्रोलिंग में हम डेविएशन, अंतर फाइंड आउट करेंगे कि हमने सोचा क्या और हुआ क्या। सोचा क्या वो काम हम करेंगे प्लानिंग में, और जो हुआ है एक्चुअल में उसके बीच का गैप निकालेंगे हम लास्ट फंक्शन कंट्रोलिंग में। कंट्रोलिंग देखिए तभी कर पाएंगे ना फ्रेंड्स जब हमने प्लान क्या किया है वो हमें पता होगा, है कि नहीं। सो बाय कंट्रोलिंग वी विल एबल टू फाइंड आउट द डेविएशन दैट मे अकर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एनी एक्टिविटी बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड वन। अगर आपने प्लानिंग ही नहीं करी होगी तो कंट्रोलिंग कहां करोगे आप बताइए। तो कंट्रोलिंग करने के लिए आपको प्लानिंग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ही पड़ेगी। सो विदाउट प्लानिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक प्रॉपर कंट्रोल। सो कहता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग ऑब्वियसली फ्यूचर के लिए करते हैं, और प्लान करके आप एबल हो जाते हैं कि आपको कौन सा डिसीजन कब लेना है एक बेटर वे में, क्योंकि फ्यूचर को प्रिसाइज मैनर में, एक एक्यूरेट मैनर में आप तभी कंसिडर कर पाते हैं, जज कर पाते हैं इन अ प्रॉपर वे, जब प्लानिंग साथ साथ चल रही होती हैं। सो नेक्स्ट कहता है फैसिलिटेट्स प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन फ्रेंड्स बहुत जरूरी है, मैंने पहले भी बताया था मेरे प्रीवियस लेक्चर में, कोऑर्डिनेशन एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है चीजों को आपस में जोड़ के चलना। अब मैनेजमेंट के पांच फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अगर आप बेसिकली चीजों को जोड़ के चलना चाहते हैं तो वो स्टेप आपका स्टार्टिंग से ही लिया जाए तो ज्यादा बेहतर रहता है। सो प्लानिंग एक पहला मैनेजमेंट का फंक्शन है, तो प्लानिंग से, प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग करने से हेल्प हो जाती है ऑर्गेनाइजिंग की, जिससे चीजें जो बटी हुई हैं, स्कैटर्ड हैं, चाहे वो एक्टिविटीज हो चाहे वो लोग हों आपके आपके बिजनेस के, उसे आप कंट्रोल वे में, अच्छे वे में जोड़ पाते हैं, ऑर्गेनाइज वे में जोड़ पाते हैं। सो इट विल हेल्प अस टू क्रिएट अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द पीपल एंड देयर वर्क। तो फ्रेंड्स देखिए फटाफट से बात कर लेते हैं, हमने पढ़े सात इसके इम्पॉर्टेंस। तो ये क्या करती है, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज को कम करती है, एफिशिएंसी बढ़ाती है, चीजें ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करती है, डायरेक्शन आपको प्रोवाइड कराती है, कंट्रोलिंग अच्छी होती है बिकॉज प्लानिंग एडवांस में करके आप अपने स्टैंडर्ड बना लेते हैं, और डिसीजन लेने में तो हेल्प करती ही है, साथ ही कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखने में मददगार है। अब देखिए मैंने बताया आपको कि कोई भी चीज अपने बेनिफिट्स के साथ नहीं आती, हर चीज में कमियां होती हैं, आप में भी होंगी फ्रेंड्स, चाहे आप इस चीज में ऑफेंड हो जाएं, ये सच्चाई है, कमियां मुझ में भी हैं फ्रेंड्स,
ये सच्चाई है, इसे मानना चाहिए हमें। तो प्लानिंग में भी कुछ कमियां हैं, क्या कमियां हैं? प्लानिंग पहली बार टाइम कंज्यूमिंग है, कई लोग क्या करते हैं प्लानिंग करते करते इतना टाइम ले जाते हैं कि वो एक्चुअल रिजल्ट्स पे ध्यान ही नहीं दे पाते, एक्चुअलिटी उनकी काम में आ ही नहीं पाती। सो प्लानिंग इन्वॉल्व लॉट ऑफ स्टेप रिलेटेड टू द कलेक्शन ऑफ वेरियस डेटा। अब कितना डेटा इकट्ठा कर लोगे, कितने एनालिसिस कर लोगे, इसमें समय लगेगा भाई, और समय आज की डेट में किसी के पास नहीं है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ही बन जाती है। अब प्लानिंग करना कोई देखिए सोचा और हो गई ऐसा तो है नहीं, तो प्लानिंग के लिए आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स, इसे नाम देते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी स्टडी कुछ नहीं है फ्रेंड्स, फिजिबिलिटी स्टडी में आप ये देखते हैं कि यार आपने बिजनेस खोलना है, आप प्लान करेंगे कि कहाँ बिजनेस खोलना है, कहाँ बेटर है, 10 लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे, आप उसमें देखेंगे कि बिजनेस खोलने पे आपको प्रॉफिट होगा भी नहीं होगा, या सरकार आपको मोहलत दे रही है नहीं दे रही, दुनिया भर के अप्रूवल लेंगे गवर्नमेंट के, तो वो सब फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स में बनाई देखी जाती हैं चीज़ें। अब इन सब चीज़ों में आप एक्सपर्ट्स की हेल्प लेते हैं, एक्सपर्ट्स कोई भी हो, फ्री में तो काम कोई करता नहीं ना फ्रेंड्स किसी के लिए, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स भी कॉस्टली होती हैं, तो इस तरह से प्लानिंग आपकी एक कॉस्टली अफेयर बन जाता है। सो कहता है एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स, जो इसमें लेने पड़ते हैं उसमें आपको कॉस्ट लगती है, सो दिस इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट। तो इस तरह से ये एक खर्चीला एक आप कह सकते हैं स्टेप बन जाता है फ्रेंड्स। तीसरा है डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखिए फ्रेंड्स कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा ही होऊंगा। प्लानिंग कर ली तो क्या हो गया, प्लानिंग करने से मैंने बोला है कि फ्यूचर से होने वाली अनसर्टेनिटीज के होने वाले जो घाटे हैं नुकसान है उसे आप रिड्यूस कर सकते हैं फ्रेंड्स, एलिमिनेट नहीं कर सकते, फर्क होता है दो शब्दों में। एलिमिनेट का मतलब है खत्म कर दिया, रिड्यूस का मतलब है कम कर दिया। रिड्यूस करने से आपके सक्सेस के 100% चांसेस बन जाएंगे ऐसा कहना गलत होगा। सो इट इज़ नॉट अ की, ये चाबी नहीं है कि भाई आपको 100% सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। कुछ चीज़ें आप अपने एफर्ट अपने तरफ से कर तो लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बस के बाहर होती हैं। सो इस तरह से वही जो चीज़ें होती हैं जो बस के बाहर हैं हमारे, जो हमारे हमारे परव्यू से बाहर हैं, उसमें प्लानिंग फेल कर जाती है। सो इट्स जस्ट अ वे टू मेक अंडरस्टैंड द फ्यूचर मोर क्लियरली एंड प्रिसाइजली, ये एक रास्ता ही तो है। हाउ एवर आफ्टर प्लानिंग वी कैन मिनिमल द चांसेस ऑफ रिस्क अबाउट द फेलियर बट वी कांट एलिमिनेट इट प्रॉपरली, आप उसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट कहता है प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिज्म। डायनामिज्म तो यार ऐसा आपका वर्ड है जिसको आपको समझ लेना चाहिए, अब आप बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। डायनामिज्म का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट आपका सदा बदलते रहने वाला है, वो एक जैसा नहीं रहेगा, आज जो समय है कल वही समय रहे ये चीज कहनी ठीक नहीं होगी। सो प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिज्म, समय बदल रहा है फ्रेंड्स आपको भी बदलना पड़ेगा, इसी तरह से प्लानिंग भी बदलनी पड़ेगी। अब एक बात बताइए, आपने एक पर्टिकुलर जॉब के लिए प्लानिंग करी, समय बदल गया क्या प्लानिंग बदलोगे? अभी ऊपर बताया ना प्लानिंग कॉस्टली या टाइम कंज्यूमिंग है, तो आपके तो लेनी देनी हो जाएगी, प्लानिंग की प्लानिंग करते रह जाओगे। सो इस चक्कर में क्योंकि समय बदलता रहता है, इस वजह से एक चीज़ प्लान कर लेने से आप उस चीज़ के ऊपर चलेंगे और उसी चीज़ पे ही चलेंगे, इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है, आपको प्लानिंग बदलते रहना पड़ेगा, जो अपने आप में एक जटिल सिचुएशन एक क्रिटिकल सिचुएशन बन जाती है। सो एज प्लानिंग इज फॉर फ्यूचर पीरियड एंड फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रडिक्टेबल अनसर्टेन, सो डायनामिज्म रहता ही है, फ्यूचर बदलता रहता है, जिसके चक्कर में आपके पुराने प्लान्स ऑब्सोलीट कर जाते हैं। अरे भाई ये ऑब्सोलीट का वर्ड क्या है, ऑब्सोलीट मतलब बेकार हो जाते हैं। सो प्लानिंग में फेल्स सम टाइम, तो प्लानिंग इस तरह से क्या हो जाती है फ्रेंड्स, फेल हो जाती है। नेक्स्ट कहता है प्लानिंग ओवर शेडो क्रिएटिविटी। देखिए बहुत से लोग होते हैं जिनको खुले में काम करने की आदत है, अरे फ्रेंड्स खुले में गलत एक्टिविटी का गलत मेरा मतलब मत लीजिए, खुले में मतलब होता है वो किसी के कब्जे में रह के काम नहीं करना चाहते, उनको आप कोई चीज बताएं वैसा ही करें, दिस इज नॉट द वे, वो चाहते हैं वो अपनी मन मर्जी का काम करें, और अगर वो मन मर्जी से काम करेंगे तो हो सकता है क्रिएटिविटी ज्यादा आ जाए, बिकॉज कई लोगों में बॉर्न टैलेंट होता है ना, कि भाई वो क्रिएटिव ही होते हैं, सेल्फ क्रिएटिव होते हैं। अगर आप उनको एक प्लानिंग की दीवार में बांध देंगे, प्लानिंग की जंजीर में बांध देंगे, तो उनकी जो क्रिएटिविटी है वो छिप जाएगी। ओवरशैडो का मतलब होता है छिप जाना, तो प्लानिंग कहता है ओवरशैडो करती है क्रिएटिविटी उन क्रिएटिव लोगों की फ्रेंड्स। सो इफ वी हैव अ प्लान फॉर डूइंग समथिंग सो वी शुड अडायर दैट प्लान केयरफुली सक्सीड। अब ऑब्वियसली हम उस प्लान को केयरफुली उस चीज को पूरा करने के लिए लग जाएंगे, जिससे क्या होगा एम्प्लॉयज में समटाइम डिबार्ड टू डू एनी एक्ट बाय देयर ओन वे, रोक लिया जाना। डिबार्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स रोक लिया जाना, हम रोक देंगे उन लोगों को जो अपने हिसाब से काम करना चाह रहे हैं। इफ देयर इज ऑलरेडी मेंटेन्ड अ क्लियर कट एक्सप्लेनेशन कि भाई प्लान में तो ऐसे कहा है तो आपको वैसे ही करना है, सो इट फॉरबिड द इनोवेटिव आइडियाज अबाउट द बिजनेस।
बिजनेस के जो इनोवेशंस हैं वो सारे आपके धरे के धरे रह जाते हैं, क्योंकि भैया आपने तो प्लानिंग बना रखी है। नेक्स्ट कहता है प्लानिंग इनवाइट्स रिजिडिटी। अब देखिए होता क्या है, ऊपर वाले पॉइंट की वजह से नीचे वाला पॉइंट बना है। अब जहां आपने क्रिएटिविटी रोक दी वहां पे जटिलता आ जाएगी, अड़ियलता आ जाएगी। कोई इंसान कुछ सिचुएशन बदल गई, कुछ बदल के कुछ मन के अपने अपने मन से कुछ करना चाहता है, भाई प्लानिंग उसके हाथ बांध लेगी, वो कर नहीं पाएगा। तो जिससे आपको प्रॉब्लम फ्लेक्सिबिलिटी की रिड्यूस होने की और रिजिडिटी की बढ़ने की महसूस होगी। रिजिडिटी एक शब्द है जो फ्लेक्सिबिलिटी का उल्टा है। फ्लेक्सिबिलिटी में जो मन आए सो करा, रिजिडिटी में जो मन आए सो नहीं, भैया जैसा बोला है वैसा करना पड़ेगा। सो एज इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू टेक एन इनोवेटिव स्टेप इनटू द बिजनेस बाय ओन इफ देयर इज अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हैड ऑलरेडी मेड इन प्लान। सो कहता है ये चीज तो इम्पॉसिबल ही बन जाएगी कि भाई इनोवेटिव स्टेप ले लो आप बिजनेस में, क्यों पहले से ही क्रिएटिव आपके इंस्ट्रक्शन बने पड़े हैं क्लियर कट। सो देन द रिजिडिटी इज द ओनली रिजल्ट दैट हैड बीन फेसिंग बाय द ऑर्गेनाइजेशन स्टाफ ऑफ द बिजनेस आफ्टर प्लानिंग। सो दिस इज वट वी कॉल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक कॉल्ड प्लानिंग प्रोसेस। बता दूं फ्रेंड्स, प्लानिंग प्रोसेस में से एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, तो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इसकी प्रोसेस समझना। जब भी हम प्रोसेस समझते हैं उसको सीरियल ऑर्डर में समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी प्रोसेस होगी पहला स्टेप होगा, उसके बाद भी दूसरा स्टेप हो सकता है। अब ऑब्वियसली आपने कोई चीज प्लान करी है, आपने एक शर्ट बनानी है, शर्ट का जब तक कपड़ा सिलोगे नहीं फ्रेंड्स तब तक शर्ट की फाइनल टच नहीं करोगे। कपड़ा सिलना पहला टाइम पहला इफेक्ट होगा, कपड़े सिलने के बाद उसके नाप के हिसाब से उसको स्टिच करना दूसरा स्टेप होगा। ये तो है नहीं कि बिना सिले उसको स्टिच कर दोगे, वो चीज़ भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ऐसी को ही प्रोसेस का नाम दिया जाता है। तो आइए देखते हैं प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप क्या है फ्रेंड्स। कहता है सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला काम होता है प्लानिंग के अंदर, इट स्टार्ट्स विद द सेटिंग अप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। आप सबसे पहले अपना उद्देश्य तय करते हैं, निर्धारित करते हैं कि भाई आपने चाहना क्या है, करना क्या है। ऑब्जेक्टिव्स लेट डाउन द फाउंडेशन ऑफ अवर प्लानिंग। प्लानिंग की हमारी नींव की ईंट बनते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स। सो ऑल अदर स्टेप्स जो होंगे इसी के आसपास घूमेंगे, ये ध्यान रखना। कहता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस का मतलब होता है आप अपने लिए सारे रिसोर्सेज जुटाते हैं, अपने आसपास के जितने भी एनवायरमेंट में जो आपके लिए जरूरी चीजें हैं उस चीज को जुटाना, उसे डेवलप करना कहलाता है डेवलपिंग प्रीमाइसेस। इसमें आप फॉरकास्ट लेके चलते हैं फ्यूचर प्लान्स के बारे में कि भाई कितना रिसोर्स आपको चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। और हम सब जानते हैं फ्यूचर अनसर्टेन है, सो देयरफॉर वी शुड टेक वेरियस अजम्पशंस। हम मान के चलेंगे कि जो हम सोचेंगे वैसा ही कुछ होगा अबाउट फ्यूचर व्हाइल मेकिंग अवर प्लान सक्सेसफुल, राइट। हम एक्यूरेट मैनर में तो बता नहीं सकते ना, तो हम अपनी तरफ से एक आइडिया लेकर ही चल सकते हैं, यानी ली गई अजम्पशंस को ही नाम दे दिया जाता है प्रीमाइसेस, जिसके जिसके हम आसपास दायरे में रह के अपनी प्लानिंग को कार्यान्वित यानी कि सक्सेसफुल करते हैं और प्रैक्टिकल शेप देते हैं। सो तो इसके आपके प्रोसेस के स्टेप्स हो गए, ऑब्जेक्टिव तय करके अजम्पशंस निर्धारित करना कि कितने दायरे में रह के प्लानिंग होगी। तीसरा इसका आता है प्रोसेस का पार्ट, दैट इज आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब भाई सोच लिया करना क्या है, अब इसके लिए किस किस तरह से आप वो कार्य कर सकते हैं। फैक्टर यानी प्रीमाइसेस विच अफेक्ट अवर प्लान कैन नॉट बी एक्यूरेटली जस्ट, बट हाँ इसके लिए हम बहुत सारे फैक्टर्स आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ कहाँ से हम एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं। सो देर इज अ नीड टू मेक एन अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। मान के चलो मुझे क्या करना है, मुझे एक शर्ट की फैक्ट्री डालनी है। अब वो शर्ट की फैक्ट्री डालने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ कहाँ से ला सकता हूँ मैं, पैसा कहाँ कहाँ से अरेंज कर सकता हूँ मैं। फ्रेंड से मांग लूँ, गर्लफ्रेंड से, गर्लफ्रेंड तो चलो खैर नहीं देगी, बैंक से लोन ले लूँ, पिताश्री से ले लूँ, पिताश्री ने मना कर दिया, लास्ट टाइम तूने पैसा लिया था तो डुबा दिया था, तो कौन देगा भाई मुझे पैसा। तो अपनी जेब की अपनी सेविंग्स जो हैं उसे यूज करूँ, तो मेरे पास बहुत से ऑप्शंस हैं। सो ऐसे में मैं लेके चलूंगा कि मेरे पास अल्टरनेटिव कोर्सेज जितने होंगे मैं सारे एक बारी के लिए लिख लूंगा, और फिर उन सारे अल्टरनेटिव कोर्सेज में से इवैल्यूएशन का काम शुरू करूंगा भाई बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, एंड उसे सेलेक्ट करके चलूंगा। इसके लिए प्रोस एंड कॉन्स का सहारा लेते हैं हम, ये भाई प्रोस एंड कॉन्स कौन सी तलवार है। अरे प्रोस का मतलब बेनिफिट होता है, कॉन्स का मतलब नेगेटिविटीज होती हैं। मैं बेनिफिट्स चेक करूंगा, नेगेटिविटीज चेक करूंगा, भैया बेनिफिट्स और नेगेटिविटीज हर अल्टरनेटिव कोर्स के जो पॉइंट नंबर 3 में मैंने डिसाइड करे हैं उसके हिसाब से जितने भी अल्टरनेटिव होंगे दैट कैन बी केयरफुली इवैल्यूएटेड। इवैल्यूएटेड का मतलब होता है उसको कंसिडर करना, जो भी बेस्ट होगा उसे सिलेक्ट कर लूंगा, जिसके अंदर चांसेस फेलियर के कम से कम होंगे और पॉजिटिव साइड बहुत ही बढ़िया होंगी। इस तरह से मेरे इवैल्यूएशन के डन होने के बाद मैं अपने
दुनिया भर के डेरिवेटिव प्लान भी बना के चलूंगा, कम से कम एक या दो तो जरूर है। क्यों? क्योंकि देखिए अभी आपको मैंने ऊपर लिमिटेशन पढ़ाई थी, याद है, प्लानिंग डायनेमिज्म में होता है। डायनेमिज्म का मतलब क्या बताया था मैंने, सोचो, यही तो बताया था कि डायनेमिज्म का मतलब है आपकी फ्यूचर की प्रॉब्लम है, फ्यूचर जो आपका अनसर्टेन है वो कभी भी चेंज हो जाएगा। आपने एक प्लान तैयार किया एक अजम्पशन लेके, वैसी सिचुएशन रही नहीं, आपका प्लान फेल कर गया, तो उस समय क्या करोगे, उस समय किसकी तरफ देखोगे, कौन आपको आके मदद करेगा? फ्रेंड्स, तब भी आप ही होगे जो अपनी खुद की मदद आप करोगे। अपने साथ कभी भी एक प्लान लेके मत चलो, एक सब्सिडरी प्लान जरूर लेके चलना चाहिए। और जो सब्सिडरी प्लान होगा आपका वो उस समय काम आएगा, डेरिवेटिव प्लान को सब्सिडरी प्लान भी कहते हैं, उस समय काम आएगा जो आपका मेन प्लान फेल हो जाएगा। सो वी शुड ऑलवेज हैव द प्लान बी इफ प्लान ए फेल्स, ये बड़ी पुरानी कहावत है, जेम्स बॉन्ड टाइप मूवीज में सुना होगा आपने, भाई प्लान बी सक्सीड करेंगे, प्लान ए तो फेल हो गया, वो वही चीज है यहाँ पे भी। दैट इज वाई वी सिलेक्ट अ डेरिवेटिव प्लान इफ अवर मेजर प्लान सीम्स टू बी फेल। अगर हमें दिखता आ रहा है कि भाई हमारा मेजर प्लान तो फेल कर रहा है, तो हम प्लान बी को क्या करेंगे, सक्सीड कर लेंगे। नेक्स्ट कहता है इंप्लीमेंटिंग द प्लान। चलिए भाई, अब प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे, प्रैक्टिकल शेप देंगे और टाइम टू टाइम उसका फॉलो अप जरूर करेंगे कि भाई हमारा जो प्लान है, हमने जो इंप्लीमेंट किया, क्या वैसे ही चल रहा है जैसा सोचा है? अगर वैसा नहीं चल रहा तो क्यों नहीं चल रहा, उसके अंदर हम उसमें बदलाव जो भी लाने हैं ऊपर किसी स्टेप में, या इवैल्यूएशन गलत हुआ है या उसकी जगह आइडेंटिफिकेशन गलत हुई है, तो वो चीज हम देख के चलेंगे। तो फॉलो अप करना मैनेजर्स का लास्ट स्टेप बन जाता है कि वो चेक करें वेदर ऑब्जेक्टिव आर फुलफिल्ड और नॉट। तो इस तरह से फ्रेंड्स फटाफट से बात कर लेते हैं हमारी प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव तय करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स एक निर्धारित सीमाओं के अकॉर्डिंगली करते हैं। हम सब कुछ अटेन नहीं कर सकते लाइफ में, ये कहना गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक सिचुएशन पे हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ बाउंडेशंस होती हैं। प्रैक्टिकली बात करूं अगर मैं आपके साथ, तो उस बाउंडेशंस में तय रह के हम अपनी प्लानिंग करते हैं, उन्हीं बाउंडेशंस को नाम दे दिया जाता है प्रीमाइसेस। उसके बाद हम अल्टरनेटिव कोर्सेस सेट करते हैं, तय करते हैं कि भाई कहां कहां से हम ये अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर सकते हैं। उन सारे अल्टरनेटिव्स को जज करते हैं कि कौन सा बढ़िया कौन सा घटिया है, एक सब्सिडरी प्लान लेके चलते हैं, मेन प्लान इंप्लीमेंट करते हैं और टाइम टू टाइम उसके फॉलो अप करते हैं। तो इसे तो भैया रट लीजिएगा। अगली चीज जो इसमें आती है वो आती है सिंगल प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। सिंगल प्लान नाम से पता लग रहा है, जो एक बार इस्तेमाल करेंगे दोबारा नहीं करेंगे, पहले एक ही बार इस्तेमाल होगा उसके बाद उसे थ्रो कर देंगे, राइट? तो एक बार यूज हुआ एंड थ्रो हुआ, यूज एंड थ्रो, भाई गलत मतलब मत लीजिएगा इसका, मेरा प्लान की ही बात कर रहा हूं मैं। तो सिंगल यूज प्लान की बात करेंगे, तो दीज प्लान रेफर टू द प्लान डेवलप्ड फॉर हैंडलिंग नॉन रेकरिंग प्रॉब्लम। ऑब्वियसली एक बार यूज किया थ्रो कर दिया तो ये तो वही प्रॉब्लम्स होंगी जिसके लिए ये हम यूज करेंगे, जो नॉन रेकरिंग नेचर की होंगी। एक बार आई वो प्रॉब्लम दोबारा मुड़ के कभी नहीं आएगी। रेकरिंग तो समझते हैं ना फ्रेंड्स, जो रिपीटिंग होता है, साथ में लग गया नॉन, तो मतलब जो रिपीट ना हो। एक बार आपको एक दिक्कत महसूस हुई, उसके लिए आपने कोई प्लान बनाया, अब पता है कि वो चार पांच साल तक वो दिक्कत नहीं आनी, तो उस प्लान को बनाए रख के चलने का फायदा क्या, उसे हम डंप कर देंगे उस प्लान को और आगे बढ़ चलेंगे। सिंगल यूज प्लान आर ऑल्सो रेफर टू एज अ स्पेसिफिक प्लान। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम आई, पर्टिकुलर सिचुएशन आई, प्लान बनाया, यूज किया एंड थ्रो किया। सिंस दीज आर मेंट टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई वी विल टेक इट एज स्पेसिफिक प्लान्स। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें किस नेचर के लिए है, ऑब्वियसली नॉन रेकरिंग के लिए। एंड एग्जाम्पल्स प्रोजेक्ट, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया है, वो एक डेढ़ साल का है, जब तक वो डेढ़ साल तक प्रोजेक्ट चलेगा आप उस प्लान पे वर्क करेंगे, प्रोजेक्ट खत्म, प्लान खत्म। नेक्स्ट इज बजट। बजट हम बनाते हैं फाइनेंशियल मेजर्स के लिए, अब ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। सो बजट फाइनेंशियल डेटा का एक आपका सिस्टमेटिक प्लान होता है जिसमें फाइनेंशियली आप किसी चीज को रिकॉर्ड करके चलते हैं। अरे यार सारी बातें छोड़ो, आपको मैं सिंपल सा मतलब बताता हूँ। कल आपने पिकनिक पे जाना है, उस पिकनिक के लिए आप स्कूल फ्रेंड्स कुछ एक काउंटी सेशन अरेंज कर रहे हैं, राइट? अभी हाल ही में सबके अपने अपने वो हुए होंगे, काउंटी पार्टी हुई होगी, है ना, गेट टुगेदर हुआ होगा अपना, क्या बोलते हो आप इसको, जब स्कूल आपके लास्ट ओवर हो रहे होते हैं अपना, क्या बोलते हैं यार, मैं तो याद भी नहीं है कितने साल हो गए स्कूलिंग करे हुए, रीअसेंबल होते हैं, गैदर्ड होते हैं, फेयरवेल पार्टी। या तो फेयरवेल पार्टी में आप क्या करते हो, प्लानिंग करते हो कि अब हम एक पार्टी उठाएंगे, तो पार्टी आप कहीं बाहर उठाते हैं, उसके लिए आप बजट बनाते हैं, नहीं बनाते, वो पार्टी खत्म, वो बजट बनाना हुआ वो भी खत्म, उसकी भी नीड खत्म। तो बजट हो गया एक तरह का आपका सिंगल यूज प्लान। जैसे हमने पार्टी के लिए बजट तैयार किया, ऐसे ही बिजनेस वाले भी
बिजनेसमैन भी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए बजट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट की फुलफिलमेंट के बाद वो बजट भी बेकार। एंड प्रोग्राम्स, प्रोग्राम शॉर्ट टर्म गोल्स को सेट किए जाने के लिए बनाए जाते हैं, तो अभी हम ये करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है स्टैंडिंग प्लान। एक्चुअली ये प्लानिंग को बांटने के दो तरीके हैं, सिंगल यूज स्टैंडिंग, जैसे सिंगल यूज हमने पढ़ा ये होता है नॉन रेकरिंग के लिए, बट ये रेकरिंग के लिए होता है स्टैंडिंग, जो हमेशा खड़ा रहेगा, आपका आपका साथ देगा। सिंगल यूज प्लान के अलावा स्टैंडिंग प्लान कहलाता है वो। इट इज यूज्ड अगेन एंड अगेन फॉर द सेम फ्यूचर प्रॉब्लम्स। सो स्टैंडिंग प्लान्स आर फॉर्मुलेटेड टू गाइड मैनेजरियल डिसीजंस। मैनेजरियल डिसीजन से मेरा मतलब क्या है, जो समय समय पे आपके जो मैनेजर्स होंगे डिसीजन लेंगे, एक्शंस लेंगे, वो इन्हीं प्लान्स को ध्यान में रख के लेंगे। आप इसे रिपीटेड यूज प्लान भी कह सकते हैं। जैसे मिशन, मिशन कभी नहीं बदलता फ्रेंड। एक आपने मिशन डिसाइड किया कि आपने करना क्या है, आप अगर किसी मिशन पे हैं अब तो वो मिशन आपका मेन प्रायोरिटी होगा, जो आपका एंडलेस लेवल तक आपका सेम रहने वाला है। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, पॉलिसीज, प्रोसीजर, एक चीज को करने का तरीका आप सेम रखते हैं, मेथड सेम रखते हैं, रूल्स नहीं बदलते सालों साल, स्ट्रेटजीज नहीं बदलती सालों साल, तो ये चीजें स्टैंडिंग प्लान्स में आ जाती हैं। तो एक एक करके इसको पढ़ते हैं। पहला है मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। मिशन एंड ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ऑफकोर्स स्टैंडिंग प्लान पढ़ रहे हैं पहले। सो मिशन इज अ स्टैंडिंग प्लान ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच डिस्क्राइब्स द बेसिक पर्पस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस होता है, जो आपने बना के स्टार्टिंग में ही चलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर द पर्पस ऑफ कोर्ट्स इज टू इम्प्लीमेंट द लॉ एंड ऑर्डर। अब अगर हमारे कोर्ट, हमारा कोर्ट ऑफ हाउस, हमारा न्यायालय चाहता है लॉ एंड ऑर्डर बनाना, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर क्या हो गया, काइंड ऑफ हमारा कोर्ट का मिशन हो गया। पर्पस एमसीडी का क्या हो गया, एमसीडी ऑफिसर का, मेंटेन करना जी ड्रेनेज सिस्टम, जो कभी मेंटेन ठीक ढंग से हमें तो नहीं लगा भाई, हमारी सोसाइटी में तो कभी नहीं हुआ। जरा सी बारिश आ जाए, चल भाई पानी जगह जगह भर जाता है। मान के चलिए एमसीडी ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से मेंटेन कर लिया, तो वो उनका मिशन होना चाहिए, है नहीं है मैं उस पर बात नहीं कर रहा, ये उनका मिशन होना चाहिए, जो मिशन या ऑब्जेक्टिव सेम रहता है। ये तो हुई बात मिशन की। ऑब्जेक्टिव में दीज आर दोज एंड टूवर्ड्स, दीज आर दोज एंड्स टूवर्ड्स विच एवरी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज एम्ड। ये वो अंतिम सिचुएशन होती है जहां हमें पहुंचना है। इट कैन बी राइटली सेड दैट नो प्लानिंग इज पॉसिबल विदाउट ऑब्जेक्टिव। भाई आप प्लानिंग कर रहे हो, चाहते क्या हो प्लानिंग करके, करना क्या चाहते हो लाइफ में, तो वो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर, ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज टू अर्न द डिजायर्ड प्रॉफिट बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट। सो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि भाई आपको प्रॉफिट कमाने हैं। सो ये तो हुई बात मिशन एंड ऑब्जेक्टिव की। अब दूसरी चीज जो इसमें आती है वो आती है पॉलिसीज। पॉलिसीज क्या होती हैं, नीतियां, हिंदी में से नीतियां कहते हैं। ये अनदर स्टैंडिंग प्लान होता है, जो डिसीजन लेने के लिए आप पहले से प्री डिटरमिंड, पहले से तय जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको अचीव करने के लिए आप कुछ तौर तरीके लेके चलते हैं। ये वो बाउंड्रीज होती हैं जिसमें रह के आप डिसीजन लेंगे, इससे बाहर नहीं जा सकते पॉलिसीज से बाहर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने डिसाइड किया कि आप अपनी सेल बढ़ाएंगे, लेकिन सेल जो बढ़ाएंगे उसमें आप क्रेडिट सेल 20% से ज्यादा नहीं कर सकते। अगर 20% से ज्यादा क्रेडिट सेल कर दी तो आपके बैड डेट्स प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, और बैड डेट्स प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे तो आपके बिजनेस का डूबना तय है। तो ये पॉलिसी है जो हमेशा सेम रहेगी कि 20% से ज्यादा क्रेडिट सेल नहीं करनी, तो ये सेम ही रहने वाली है। इन अदर वर्ड्स ऑफ कून्स एंड वेंड्रेज, ये नाम नुम याद रहे तो लिख लेना, नहीं रहे तो भाई इसको एक बुरा सपना सोच के छोड़ देना। क्या कहता है, आपको एटलीस्ट इसका मीनिंग पता होना चाहिए। कहता है पॉलिसी इज अ मींस ऑफ एनकरेजिंग डिस्क्रीशन एंड इनिशिएटिव बट विद इन लिमिट्स। डिस्क्रीशन आपकी सोच क्या है, उसे एनकरेज करना, इनिशिएटिव लोगों के एफर्ट्स को लेके आना, बट एक लिमिट में, जो आपने पहले से तय किया है उसी में ही। कहीं पता लगे खुशी खुशी में सारा माल उधार भेज दिया, बाद में ठन ठन कोपाल, सामने वाला पैसा देने से मना कर रहा है, सो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो ये हुई तो ही बात हमारी पॉलिसीज की। इससे पहले हमने बात करी ऑब्जेक्टिव्स की, अब बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। फ्रेंड ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मिलिट्री एरिया में यूज होता था, वहां से हमने ये वर्ड चुराया और बिजनेस में लेकर आए। कहता है स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेन्ड मैनर में बनाया जाने वाला ऐसा प्लान जो इंटीग्रेटेड होता है। इंटीग्रेटेड मतलब जुड़ा हुआ हर एक एक्टिविटी के साथ, जिसकी इंश्योरिटी की जाती है कि अगर हम ये चीज बनाएंगे, स्ट्रेटेजी बनाएंगे, तो हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे हम बहुत आसानी से क्या कर पाएंगे, अकम्प्लिश। देखिए कंफ्यूज मत होइए, हमने देखो ऑब्जेक्टिव्स में ये सोचा करना क्या है, पॉलिसीज में कितने दायरे में रह के करना है, भाई करना कैसे है वो तो पता नहीं लगा ना, तो वो तो स्ट्रेटेजी में पता लगेगा, राइट जी। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है फ्रेम करना पॉलिसी को, पॉलिसी को इन रियल मैनर लिखना कि अब कौन सा हमें बेसिकली काम करना है अपने
ऑब्जेक्टिव्स की फुलफिलमेंट के लिए, लेकिन कौन सा काम पहले करना है कौन सा काम बाद में करना है ये कौन बताएगा, ये आपका प्रोसीजर बताता है। तो प्रोसीजर क्या है, दीज आर बेसिकली द सीक्वेंशियल स्टेप्स टू कैरी आउट एक्टिविटी विद इन द एग्जैक्ट फ्रेमवर्क, कि किस तय सीमा में किस दायरे में रह के जो हमने स्ट्रेटजी में रखा है पॉलिसीज में रखा है उसमें कौन सा स्टेप पहले कौन सा बाद में होगा तो वो देखते हैं। तो ये एक तरह से जो इनसाइडर लोग होते हैं उनको एक फॉलो करने के लिए एक अच्छा एक बेंचमार्क मिल जाता है कि इसके थ्रू वो स्टेप बाय स्टेप अपने ऑब्जेक्टिव्स अपने स्ट्रेटजीज फुलफिल कर लेते हैं पॉलिसीज के दायरे में रह के। सो प्रोसीजर फॉर मेकिंग द सप्लाई ऑफ गुड, एग्जाम्पल के तौर पर आपको माल बेचना है तो पहला काम क्या होगा, प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग द कस्टमर क्वायरी, इसका का पहला काम क्या होगा, दूसरा काम क्या होगा, आप माल बेचना चाहते हैं तो उसके लिए पहले स्टेप क्या रखेंगे, पहले आप सपोज ऐड करवाएंगे, अब ऐड भी कैसे करवाएंगे, सेल प्रमोशन करेंगे या फिर आप टीवी में मास मीडिया के थ्रू ऐड डलवाएंगे तो वो देखने वाली बात है, कलेक्शन करनी है अपने उधार की तो क्या करेंगे, साम दाम दंड भेद समझाएंगे, कुछ लालच देंगे, थोड़ा सा डराएंगे या फिर भेद देंगे, उस हिसाब से आप डेट कलेक्शन करेंगे, डेट पेमेंट कैसे करनी है, हाथ पैर जोड़ेंगे या क्या करेंगे वो देखने वाली बात बनती है, या रिक्वेस्ट मांगेंगे, टाइम मांगेंगे, आधी पेमेंट अप करेंगे आधी महीने बाद करेंगे तो वो देखने वाली बात होती है। तो ये सब चीजें प्रोसीजर में होती हैं, ठीक है जी। तो प्रोसीजर के बाद अगली चीज आती है रूल्स। रूल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, रूल्स तो सिंपल सी चीज है, इसको तो आप बहुत इजीली समझ सकते हैं, आपके पेरेंट्स आपके घर के अगर हम बात करें बड़े लोग जो भी हैं वो आपको एक दायरे में रख के आपसे आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करते हैं। दायरा होता है एक तरह का ये कि कहीं आप बिगड़ ना जाएं, वो भी तो ध्यान रखते हैं ना आपके बड़े लोग आप पे, है ना। तो उसी हिसाब से रूल्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत से लोग आगे इकट्ठा होंगे, हर कोई अपनी मनमर्जी करने लग जाएगा तो काम नहीं बन पाएगा ना, तो उसके लिए बनाए जाते हैं रूल्स। तो दीज आर स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टेटमेंट विच टेल अस अबाउट व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन, क्या करना है क्या नहीं करना, ये वो गाइड होती है जो बिहेवियर को कंट्रोल करती है, वरना आपको पता ना मन चंचल होता है कहीं भी उड़ जाएगा, तो वो रूल्स ही हैं जो हमें रोक के चलते हैं। आपको पसंद आ गई अपनी सेक्रेटरी, आपने उस पर लाइन मार दी, सेक्रेटरी को पसंद आप नहीं आए, उसने आपके खिलाफ कंप्लेंट कर दी, तो ऑब्वियसली आपने कोई गलत काम किया था भी तो कंप्लेंट हुई ना, तो वो रूल्स हैं जो ये बता रही हैं कि हाँ आपने जो किया है वो गलत है। इट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेबिलिटी ऑफ फाइंस एंड पेनल्टीज, या फाइन लगेगा या पेनल्टी लगेगी या जॉब से निकाल देंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। सो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर नो स्मोकिंग जोन है ना, बोर्ड लगे होते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह में तो नो स्मोकिंग जोन, वहां स्मोकिंग करना भी मत, समझ रहे हो। तो अगर वहां स्मोकिंग करी और आपके रेस्टोरेंट ओनर को पसंद नहीं आई वो चीज, तो आपके खिलाफ वो एक्शन ले सकता है। सो नेक्स्ट इज मैथड। मैथड क्या होती है फ्रेंड्स, ये एक स्टैंडर्ड तरीका होता है जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करते हो, रूट कह सकते हो, राइट। अब ये मेथड आप जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए आपको एम्प्लॉय को ट्रेंड कराना है, अब ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय है, ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय कैसे करोगे, ऑन द जॉब करोगे ऑफ द जॉब करोगे, कौन सा मेथड फॉलो करोगे, उसके काम के साथ साथ ही ट्रेनिंग दिलवा दोगे या फिर उसे एक डमी एरिया में ले जाओगे फिर ट्रेनिंग दिलवाओगे। सो मेथड रिलेटेड टू कैरी आउट प्रोडक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, प्रोडक्शन करवानी है। अब डायमंड के बिजनेसेस में क्या होता है, इकट्ठे एक साथ उसको बिना ट्रेनिंग कराए एम्प्लॉय को जॉब पे तो भेज नहीं सकते, नुकसान करेगा तो तगड़ा करेगा, तो वहां पे मेथड कौन सा होना चाहिए, वहां पे मेथड होना चाहिए ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, कि चल भाई पहले इसको ऑफ द जॉब कराएंगे, डमी सेशंस दिलवाएंगे फिर जाके इसको बिठाएंगे। इसी तरह से रिएक्शंस के काम हो गए, इसी तरह से गाड़ी चलाना कोई सीख रहा है तो वो पहले डमी सेशंस देखेगा फिर वो प्रैक्टिकल देखेगा, तो दिस इज समथिंग वी कॉल्ड अ मेथड, राइट। नेक्स्ट होता है बजट। अब यहां से क्या शुरू हो गया फ्रेंड्स, बजट, बजट अभी बताया था ना, बजट क्या होता है, बजट एंड प्रोग्राम सिंगल यूज प्लान होते हैं, एक बार यूज किया एंड देन थ्रो किया। सो बजट क्या है, दीज आर मॉनेटरी स्टेटमेंट, पैसों में आंकी जाने वाली स्टेटमेंट्स हैं जो एंटरप्राइजेस बनाती है किसके लिए, कि फ्यूचर में कितना एक्सपेंडिचर कहाँ कब करना है। एग्जाम्पल के तौर पे सेल्स को लेके बना हुआ बजट हो गया कि भाई कल को कितनी सेल करनी है कितनी नहीं करनी और उसमें भी कितनी क्रेडिट कितनी कैश। ओवरहेड, ओवरहेड होते हैं फ्रेंड्स कोई बड़ी तोप नहीं है ये शब्द, इसका मतलब खर्चे होते हैं कि कितना खर्च फ्यूचर में करना है और कहाँ कहाँ करना है। कैश बजट, इट्स अ काइंड ऑफ कैश बुक, एक काइंड ऑफ कैश बुक ही होती है ये, अभी आप इतना समझ के चलिए, जिसमें आप कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड करते हैं। ऑफ कोर्स इसके अंदर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस इंक्लूड करी जाती हैं। प्रोग्राम, प्रोग्राम अगेन लास्ट हमारा सिंगल यूज प्लान है, जो कि क्या है, दीज आर वेरियस कोर्स ऑफ एक्शन, जो एक एंटरप्राइज बहुत सारे एक्शंस की एक साथ बहुत से स्टेप लेने हैं वो लेके चलता है एक लिखित वे में, एक रिटन वे में, उसी को प्रोग्राम का नाम दिया जाता है। देखिए फॉर एवरी कोर्स ऑफ एक्शन देयर इज अ सेपरेट प्रोग्राम।
अब एक एक्टिविटी है बिजनेस में, क्या एक ही एक्टिविटी होगी? नहीं, देयर आर वेरियस एक्टिविटी। अब हर एक एक्टिविटी के लिए सेपरेट प्रोग्राम बनता है जिसमें उसके सेपरेट ऑब्जेक्टिव, सेपरेट पॉलिसी, सेपरेट प्रोसीजर, सेपरेट रूल्स, सेपरेट टास्क, सेपरेट रिसोर्स इकट्ठा करना पड़ता है। भाई ये क्या हो रहा है ये? आप ऐसे समझ के चलो, मान के चलो कि आपको आपके घर में एक फैमिली गैदरिंग होने वाली है, गेट टुगेदर होने वाला है। चलिए आपके छोटे भाई की मैरिज होने वाली है। अब उस मैरिज में क्या होगा? उस मैरिज के अंदर बहुत से लोग आएंगे, खाने का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उनके रहने का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, कि रहने के बाद उनको आप क्या नाम है अपना जाते हुए कुछ गिफ्ट्स भी देंगे, उसका भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और ये सब चीज़ों में क्या लगेगा? खर्च लगेगा। अब खाने का अरेंजमेंट एक सेपरेट प्रोग्राम हो गया, उनके रहने की व्यवस्था एक सेपरेट प्रोग्राम हो गया, रिटर्न गिफ्ट एक सेपरेट प्रोग्राम हो गया, उसके लिए अलग से रिसोर्स जुटाओगे, अलग से नीतियां बनेंगी, कौन सा स्टेप पहले लेना है उसके लिए, कौन सा बाद में लेना है, हलवाई कौन बुलाएगा, कैसे बुलाएगा, सब्जियां कौन लाएगा, वो उसके अंदर प्रोसीजर आ गए सेपरेट प्रोग्राम के अंदर। इस तरह से बिजनेस में गुड्स खरीदना है, उसको फिर बनाना है, उसके लिए सेल्स क्रिएट करनी है, उससे कस्टमर सेल्स होने के बाद कस्टमर से कलेक्शन करनी है, इन सब के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स जो बनते हैं, वो सारे अलग अलग एक्टिविटीज़ जो बनती हैं, वो सारे एक्टिविटीज सेपरेट प्रोग्राम्स कहलाती हैं। जैसे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, इट मे बी अ प्रोग्राम फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ स्कूल, वो अलग है, फॉर डेवलपिंग अ कॉलोनी, वो अलग है। तो ये आपके कुछ अलग अलग क्या हो गए फ्रेंड्स? आपके प्रोग्राम्स हो गए। तो इस तरह से हमने हमारे सिंगल यूज प्लान और स्टैंडिंग प्लान्स को भी कवर अप कर लिया है। आप तरुण अनेजा क्लासेस के वीडियोस देख रहे हैं फ्रेंड्स, और आप सबको बताना चाहूँगा इन वीडियोस को बनाने के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके मेरे उत्साह को बढ़ाइए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ उस लाल बटन पे जाके क्लिक कीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब बहुत ज़रूरी है करना, सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, मैं आगे और वीडियोज़ बना पाऊँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो बेल आइकन है उसे हिट ज़रूर कीजिए, जिससे आपके पास मेरी रेगुलर वीडियोस आती रहें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स, और अगर आपको कोई भी ऐसी क्वेरी है, जो अभी आपका कोई ऐसा डाउट है जो इस चैप्टर से रिलेटेड या आपके प्रीवियस चैप्टर से रिलेटेड या जो भी आपकी क्वेरी है आपके कोर्स से रिलेटेड, अगर आपको वो क्लियर करनी है तो आप मेरे वेबसाइट tarunaneja.com पे जा सकते हैं, या फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।